नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज 14 जुलाई है और स्टूडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की, वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से, जिसमें दिया हुआ है कि कोरोना की तीसरी लहर को बुलावा ना दे, ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हिल स्टेशनों बाजारों में बिना मास्क और प्रोटोकॉल की अनदेखी कर भीड़ बढ़ाना चिंता की बात है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कुछ जिलों में बढ़ रहे मामले चिंताजनक, वायरस के प्रसार को तत्काल रोकने की जरूरत है। कोरोना संकट पर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की और इस दौरान उन्होंने ये बातें रखी। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि 11 सितंबर को होगी नीट पीजी 2021। आपको बताया कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की स्नातकोत्तर यानी कि पीजी परीक्षा 11 सितंबर को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को यह घोषणा की। वही अगली खबर हमने लिया है आपको दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से है, इसमें दिया हुआ है कि क्षेत्रीय भाषा में होगी बैंकों की क्लर्क भर्ती परीक्षा। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय ने किया समिति का गठन, रिपोर्ट आने तक क्लर्क भर्ती परीक्षा पर लगाई गई रोक। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि पीएसबी या सरकारी बैंकों की क्लर्क की भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में इजाज़त मिल सकती है। पीएसबी की क्लर्क भर्ती परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में देने की इजाज़त पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कमेटी का भी गठन किया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया है कि जेई मेन और नीट के बाद छात्रों को सीयू सेट पर फैसले का इंतजार। आपको बताया कि शिक्षा मंत्रालय को इसी हफ्ते इस पर भी लेना है निर्णय। विश्वविद्यालयों में दाखिला को लेकर अब तक बनी हुई है उलझन। आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन को लेकर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सीयू सेट बनाने का फैसला लिया गया और इसी हफ्ते इस पर निर्णय भी लेना है शिक्षा मंत्रालय को। तो देखने वाली बात है कि कब तक और क्या निर्णय इस पर होता है। अगली खबर भी दैनिक जागरण से, फ्रांस में अमेरिकी कंपनी गूगल पर 4400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। आपको बता दें कि फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने मंगलवार को गूगल पर 50 करोड़ यूरो यानी कि 4400 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाने का ऐलान किया। यह जुर्माना फ्रांसीसी प्रशासकों के साथ भुगतान विवाद में लगाया गया है। ये प्रकाशक चाहते हैं कि गूगल उनके समाचार पत्रों के इस्तेमाल के लिए भुगतान करे। वही अगली खबर जनसत्ता से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 2 हफ्तों की देरी से पहुंचे मानसून ने आखिर दिल्ली को भिगोया। बहुप्रतीक्षित दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली पहुंचने से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 19 सालों में मानसून इस बार 2 हफ्ता से अधिक देरी से दिल्ली पहुंचा है। वर्ष 2002 में मानसून 19 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, कोरोना के कारण उत्तराखंड के में कांवर यात्रा को रद्द कर दिया गया है। आपको बताया कि उत्तराखंड सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए आगामी 24 जुलाई से शुरू होने वाली कांवर यात्रा रद्द कर दी है। मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया हुआ है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, ऐसा कहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट जो है का आयोजन पहली बार 13 भाषाओं में किया जाएगा। पंजाबी और मलयालम को जोड़ा इस बार गया है और यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, देश में राजमार्गों को सुधारने के लिए बनेगा निगरानी प्रकोष्ठ। मार्गों की बदहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के झगड़े खत्म होंगे इससे और राज्यों में टूटे मार्गों को की खस्ता हाल स्थिति के बाद की गई है पहल। तो अब इससे जो है राज्यों में जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं, उनकी स्थिति में सुधार हो सकेगा, उनकी निगरानी हो सकेगी। वही अगली खबर हमने लिया जनसत्ता से, इसमें दिया है कि अगले साल नए संसद भवन में शुरू होगा शीतकालीन सत्र। नए संसद भवन के लिए सांसदों को एक साल और इंतजार करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए भवन का निर्माण कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है और
लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण इसमें कुछ देरी आई, लेकिन अगले साल शीतकालीन सत्र जो है नए संसद भवन में ही शुरू होने की संभावनाएं हैं। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, सिविल सेवा परीक्षा में वंचित आवेदकों की याचिकाओं पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा के इच्छुक अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता जो हैं ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन संघ लोक सेवा आयोग ने तय तारीख तक अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति MM खानविलकर की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि पक्षकारों के मध्य चल रहे पत्राचार में वो अभी तक किसी भी स्वीकार्य निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं, यह प्रक्रिया अभी चल रही है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, निकाय स्तर पर होगी 954 कर्मियों की बहाली। नवगठित नगर पंचायत में 8 और नगर परिषद में एजेंसी के जरिए रखे जाने हैं 10 कर्मचारी। संविदा कर्मियों की बहाली के लिए हर शहरी निकाय में नियुक्त की जा रही हैं एजेंसियां। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि बिहार के सभी अस्पताल 15 दिनों में संसाधन से लैस होंगे। तीसरी लहर की तैयारी शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 31 अगस्त तक अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की भी हो रही है नियुक्ति, तो बिहार जो है वो तीसरे लहर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया गया है कि पटना सासाराम समेत 20 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें फिर से चलाई जाएंगी। पटना से सासाराम, बरौनी, गया, मुजफ्फरपुर समेत पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के बीच 20 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पुनर्बहाल किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के अलग अलग रेलखंड की ओर से हाजीपुर रेल मुख्यालय को भेजे गए प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। वही अगली खबर भी रेलवे से ही संबंधित है, हिंदुस्तान पेपर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी अब ट्रेनें। रेलवे की ओर से ढांचागत सुधार के काम हो रहे हैं, गति बढ़ाने से यात्रियों को सफर में समय मिलेगा। आपको बता दें कि मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन हो सकेगा। इसके लिए रेलवे की ओर से ढांचागत सुधार के काम हो रहे हैं। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल के मध्य तीव्र और सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, NEET UG पैटर्न बदला, 200 में 180 प्रश्नों को करना होगा हल। दो चरणों में होगा रजिस्ट्रेशन, मेडिकल में दाखिले की परीक्षा को आवेदन शुरू कर दिया गया है। NTA ने जारी किया NEET UG का नोटिफिकेशन, मंगलवार शाम 5 बजे से शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया और इस बार 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी NEET की परीक्षा। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है शिक्षक नियोजन, 24 नियोजन इकाइयों पर होगी FIR। 102 से अधिक नियोजन इकाइयां जो है वो जांच के दायरे में है। 12 जुलाई को 373 इकाइयों में स्थगित की गई काउंसलिंग। दोषी नियोजन इकाइयों पर 3 दिनों में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है और ऐसा आदेश जो है प्राथमिक शिक्षक निदेशालय द्वारा, शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया है। वही अगली खबर प्रभात खबर से, पहली बार बायोमेट्रिक से बूथ पर वोटरों की बनेगी हाजिरी। पंचायत चुनाव 2021 में पहली बार बूथों पर मतदाताओं की हाजिरी बनाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। हर बूथ पर एक बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी, इससे वोटिंग करने के लिए आने वाले हर वोटर को इसके माध्यम से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। वही अगली खबर प्रभात खबर से, शिक्षकों के 8594 पद रह गए खाली। अब छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित होगी। आपको बता दें कि 12 जुलाई सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग में 12,209 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, वही 8594 पद रिक्त रह गए। विभाग ने प्रथम चरण की काउंसलिंग की अंतिम सूची जारी कर दी है। सोमवार को 478 प्रखंडों में 4412 पंचायतों में काउंसलिंग कराई गई थी। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज NEWSPR को फॉलो करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल NEWSPR को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।